बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भीषण आग की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की 30 से ज्यादा गाड़ियों को लगाया गया। जिस इमारत में आग लगी वहां से कई ऊंची ऊंची लपटे निकलते लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि जहां आग लगी वो काफी संकरा इलाका है, जिसकी वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो कपड़ों के गोदाम में यह आग लगी, आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। आग काफी भीषण थी, लपटे दूर से ही देखी जा सकती थी और संकरा इलाका है जहां पर आग लगी। ऐसे में दमकल कर्मियों को पहुंचने में पहले देरी हुई और फिर 40 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। फायर को सराउंड तो कर दिया गया है, लेकिन जान और को सुरक्षा देने के लिए कि किसी को जान की हताहत ना हो, अभी बाहर से ही इसमें कूलिंग ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग डेंजरस हो गई है और एक पोर्शन बिल्डिंग का गिर भी गया है। अभी फायर अंडर कंट्रोल है, चारों तरफ से सराउंड कर दिया गया है, तीन साइड से इस पर कार्रवाई चालू है और अभी इसको कूलिंग ऑपरेशन में टाइम लगेगा। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए जसप्रीत, अभी भी दमकल विभाग का कहना है कि आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि जो बिल्डिंग का पूरा एरिया है वो बीच बीच में सुलग उठता है, क्योंकि कपड़ों का यहाँ पर पूरा गोदाम जैसा बनाया गया था और चार मंजिला ये पूरी इमारत है और रह रहकर बीच बीच में कई पोर्शन जो है बिल्डिंग के वो गिरे हुए हैं, क्योंकि आग भयंकर तरीके से लगी हुई थी। 40 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त मौके पर काम कर रही हैं। तो उनका कहना है कि अभी आग पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक पूरे एरिया को वो अभी फिलहाल कॉर्डन ऑफ करके वहां पर काम कर रहे हैं, दमकल की गाड़ियां काम कर रही हैं, क्योंकि बीच बीच में आग सुलग जाती है जिसकी वजह से दूसरी जो वहां पर दुकानें हैं या दूसरी बिल्डिंगें हैं उन पर खतरा बरकरार है। तो तब तक अभी तक जो है रात से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दीपक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते हैं आगे। पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता लगा कि एक नाव नदी में डूब गई। बताया गया कि हादसे के वक्त उसमें 50 लोग सवार थे, जो नदी के दूसरी तरफ से घास काटकर लौट रहे थे, लेकिन तभी उनकी नाव बहाव में फंसकर पलट गई और उसमें मौजूद सभी लोग डूबने लगे। नाव डूबी है जिसमें 50 से 54 आदमी बैठने की सूचना है। हादसे की खबर मिलते ही फौरन प्रशासन की एक टीम मौके पर पहुंची, जहां राहत और बचाव दल के जवानों ने कड़ी मशक्कत से उनमें 45 लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन 5 लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया, जिनके डूबने की आशंका के बाद वहां चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब लोग नाव में बैठकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि कम से कम 10 लोग अभी लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए एनडीआरएफ के जवानों को मोर्चे पर लगाया गया। कमाल खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि ट्वीट मामले के बाद अब महिला के साथ छेड़छाड़ मामले में वर्सोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और मलाड पुलिस ने कमाल खान की कस्टडी अपने पास ले ली है। महिला से छेड़छाड़ का मामला साल 2019 का है। महिला की ओर से दर्ज करवाई गई FIR के मुताबिक कमाल खान ने अपने जन्मदिन की पार्टी के बहाने महिला को अपने घर बुलाकर छेड़छाड़ की थी। तो वर्सोवा पुलिस ने कमाल खान को गिरफ्तार कर लिया है 2019 का ये मामला, जब बर्थडे पार्टी में कमाल खान पर आरोप है कि उन्होंने महिला से छेड़छाड़ की थी। आगरा में खनन माफिया ने टोल का बैरियर तोड़ते हुए 13 ट्रैक्टर निकाले। इस बीच टोल कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। आगरा ग्वालियर हाईवे पर महज 52 सेकंड में एक के बाद एक 13 ट्रैक्टर टोल का बैरियर तोड़कर निकल गए और टोल कर्मी देखते रह गए। ट्रक इतनी तेजी से निकले कि टोल कर्मी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। तस्वीरों में साफ नजर आया कि एक ट्रैक्टर तेज रफ्तार में आया और बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकल गया। इसके बाद फिर दूसरा ट्रैक्टर आया और वो भी तेजी से आगे निकल गया, जिसके बाद टोल कर्मियों ने होश संभाला और लाठी से ड्राइवर पर हमला कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और देखते ही देखते 13 ट्रक बैरियर तोड़ कर निकल गए। खनन माफिया ट्रैक्टरों में भरकर अवैध तरीके से रेत ले जा रहे थे और यही वजह थी कि वो टोल पर नहीं रुके। इस पूरी वारदात का वीडियो वहां लगे एक CCTV में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने CCTV के आधार पर जांच तेज कर दी। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक मछली व्यापारी के घर पर छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। CID अधिकारियों ने व्यापारी जयप्रकाश साहा के घर पर छापेमारी की। इस बीच अधिकारियों ने 1.40 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। अधिकारियों ने नोटों की गिनती के लिए कैश गिनने वाली मशीन मंगवाई।
बंगाल के मालदा में सीआईडी की छापेमारी में मछली व्यापारी के घर से ये कैश मिला है, 1,40,00,000 रुपए कैश मिला है। अब पुलिस आगे भी तफ्तीश में जुटी है और नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई तब जाकर ये पैसे गिने जा सके।